जब कोई व्यक्ति मेरा फोन नहीं उठाता तो मैं बहुत खुश होता हूँ। जब कोई व्यक्ति मुझे इंतजार कराता है तो मैं गदगद हो उठता हूँ, क्योंकि मुझे एक उम्मीद नजर आती है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से भी ज्यादा व्यस्त है। चलते चलते चैनल में आज के विचार का विषय भी यही है कि आपका खेद, आपकी ग्लानी, आपकी व्याकुलता और आपका गुस्सा। फोन ना उठाना, इंतजार कराना, ये बाहरी जगत की घटनाएं हैं दोस्तों। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन घटनाओं को अपने अंदर के संसार में ले जाते हैं। हमारा मन आंदोलित होता है, हमारी सांसें आंदोलित होती हैं और फिर वही मैसेज हमारी आत्मा तक जाता है और फिर हम विस्फोटिक हो जाते हैं, हम ग्लानी में भर जाते हैं, हम खेद करते हैं, हम गुस्सा करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैं आपको सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ होने के लिए कुछ समय लगता है। इसमें एक स्पेस होती है और इस स्पेस में परमात्मा होता है। आपने बस उस स्पेस को पकड़ना है। आप नहीं रहेंगे, आप परमात्मा मैं बन जाएंगे और आपके सारे खेद खत्म हो जाएंगे।